अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप लोग, होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक हो गया रमदान मुबारक के साथ में रोज़े और न्यू व्लॉग के अंदर। वैसे तो मेरा व्लॉग जो है ना सहरी से स्टार्ट हो जाता है सुबह सहरी टाइम, लेकिन आज जो है ना आप ज़रा लेट हो गया था। इस वजह से लेट हो गया था कि सुबह जो है ना नींद में मैंने सहरी की थी, कोई सीन लग नहीं था रहा कि मैं जो है ना मोबाइल निकाल के व्लॉग शूट करूं। तो इस वजह से एनी वेज ठीक है, अभी मैं मस्जिद में आ गया था जोर की नमाज़ पढ़ने। आज का ज़रा इंट्रो लेट ही हो गया। देखो ये झूले भी लगे हुए हैं, कुछ मदरसे के बच्चे भी जो पढ़ने आते हैं मदरसा वो भी झूले ले सकते हैं। नामा रजा साकी मुस्तफाई, मैं आगे जाके जो ना आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ स्कूल का, थोड़ा ना स्कूल और मस्जिद इकट्ठी है। आ गया हूँ थोड़ा सा आगे, बस ये चेक करो बच्चा झूला ले भी रहा है। एक शेख भट्टी, ये सर सैयद अहमद खान कायद आज़म, उस तरफ एंड तक लगी हुई है, एंड तक ये कॉलेज है। और ये जो है ना मस्जिद है, बहुत बड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी हुई है अंदर से भी। मस्जिद तो खैर सभी प्यारी होती हैं, सभी प्यारी होती है ठीक है। ये जितनी नीचे है ना उतनी ऊपर भी है, मतलब कि दो मंजिल में बनी हुई है, दो फ्लोर में बनी हुई है, आप देख सकते ही हो ठीक है। जितने मर्जी नमाजी आ जाए इधर जो है ना ये कभी फुल नहीं हुई है। अगर नीचे फुल हो जाए तो ऊपर तो है, लेकिन ऊपर अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हमारे इस एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद मेरे ख्याल से तो यही है। टाइम वेस्ट नहीं करते, जमात तो ऑलरेडी हो गई है, मैं इसलिए जो ना ज्यादा लंबी तशरीह करना शुरू हो गया था। तो पहले सबसे नमाज पढ़ते हैं, बाकी काम बाद में। ओके सारे नमाजी चले गए हुए हैं, कुछ ही इधर जो ना सेकंड फ्लोर का रास्ता, कुछ नमाजी इधर ही सो गए हैं, नमाज पढ़ के रोजा रखा होता है ना। Many hours later. अभी भाई मैं छत पे घूम रहा था, असर का टाइम भी हो गया, अभी जोहर पढ़ के आया हूँ। बाप कह रहे होंगे कि भाई असर का टाइम कैसे हो गया, तो यार अंदर कुछ काम होते हैं, इस वजह से तभी ऑन हो जाता है जब कोई वेले हो जाता है ना, तभी जो है ना ऑन करने का टाइम मिलता है। अभी ये चेक करो, जितने भी लोग गए थे मजदूरी करने सभी वापिस आ रहे, क्योंकि रोजे में कुछ डेढ़ घंटा बचा ठीक है, आगे सभी ने तैयारी व्यारी करनी होती है। ये बकरे हैं यार, चेक दिस। तो अभी हट जाते हैं यार, अफ्तारी की तैयारी करते हैं, काम ही टाइम बचा वैसे। तो अभी मैं नीचे आ गया था, ये चेक करो कुछ लोग अभी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन मैं जो इधर ही पढ़ ली थी इधर भी मस्जिद बनाई हुई है हमने, और तो अभी लोग आ रहे हैं। 5 minutes. यार मैं हवेली आ गया था, देखते हैं जेब अंदर क्या कर रहा है। हाय, तो अभी यार तैयारी चल रही है। आज तूने सहरी नहीं की? और मैं भी नहीं की, थोड़ी सी लस्सी ली थी और दही लिया था, खाना में खाया ही नहीं था, एक गिलास पानी का लिया बस, मतलब 8 पैरा ही हो गया। उस जेब ने सिर्फ 1 गिलास पानी का लिया हुआ यार सहरी में बस। ओ उंगली के इशारे पे घुमा रहा है कढ़ाई को, छींटे गिर रही हैं, छींटे गिर रही हैं। प्रोफेशनल कुक है यार ये? नहीं नहीं, ओके आज के बाद नहीं कहूँगा। पहले एक दो बार बोला इसे, इसने बोला कि नहीं, मैं कहा ठीक है भाई मैं तेरी तारीफ करता हूँ। मर्जी है तेरी यार, मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। कल मैं व्लॉग में बोला था कि मतलब स्विमिंग पूल नहाने के बाद नहाना चाहिए, खैर वो तो हम सारे नहाए थे। सेकंड बात ये कि जुहेब का जो फीडबैक आया था ना वो ये था कि भाई स्विमिंग पूल में नहाने के बाद मेरा बाजू, मेरे जो दोनों बाजू मतलब बॉडी हल्की हल्की ब्लैक होना शुरू हो गई थी। तो मैं तो भैया ऐसे पहली दफ़ा सुना है, लेकिन मे भी हो सकता हो, अगर आपको कोई नॉलेज है किसी को तो बताओ ना, ऐसा कोई वाकई सीन है? मैंने कौन सा पहले तेरी बाजू की तस्वीर लेके रखी है और सुबह शाम देखता हूँ कि भाई ये चिट्टे हैं और क्या काले हैं, अभी चेंज ही ये तुझे ही पता है ना। वही तो कह रहा हूँ ना, तुझसे ही पूछा, तेरा ही फीडबैक कह रहा हूँ यार। एक मिनट बचा है ठीक है अफ्तारी में, एक मिनट भी नहीं बचा, एक मिनट भी क्या बोला दस ना तेन आ। दरवाजा बंद कर रहे, अफ्तारी सारी चली गई है अंदर, और अंदर चलते हैं। खैर अभी दुआ कर लेते हैं। जेब ने ओनली पानी पिया हुआ था यार, जैसे कि आपको बताया उठा ही तब था, वो भी भाई ने आके उठाया था, लेट हो गया था जब अजाने हो रही थी,
उदू उठे हैं चौधरी साहब, अलार्म बजा था, बंद करके सो गया, फिर जैसे मैं पहले करता था वही सीन। लेकिन मेरा पहले पहले रोजे में हुआ था, बाद में नहीं था हुआ। आज हमारे पास है भाई सैंडविच, ओके, रायता, सोया, मैक्रोनी बनी हुई है, ओके, और पुलाव है साथ में, बिरयानी, हाय हाय हाय, एंड दही भल्ले, एंड शेक, स्ट्रॉबेरी शेक है ना, जोन साहब ये पी के पता चलेगा, और ये लीमू पानी। ओके तो इफ्तारी कंप्लीट हो गई थी, नमाज पढ़ने का टाइम है, ज़ेब ने पढ़ ली तकरीबन, मेनी आवर्स अभी यार इफ्तारी हो गई थी, अभी इशा का टाइम हो गया और साथ ही तरावियां भी पढ़नी है। तो एहसन और अब्दुल्ला तो चले गए हैं, ठीक है, मेरे दोनों छोटे भाई चले गए हैं, और मैं काम कर रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा आप जाओ आपके पीछे आता हूँ, कह रहे थे नहीं लेके जाना, मैंने कहा खुदा का वास्ता चले जाओ, मैं आ रहा हूँ, अभी मैं भी निकलता हूँ, जाके तरावियां पढ़ते हैं बाद में आते हैं, सही है ना। 20 minutes late. I am back after 20 to 30 minutes. I hope you like this video. Thanks for watching. So next vlog mein milte hain. Bye bye. Allah Hafiz.